राज्य मंत्री संदीप सिंह लोगों की समस्याएं सुनने के लिए गांव की चौपाल पर पहुंचे। इस मौके पर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि किसी भी कारण से सरकारी दफ्तरों तक पहुंचने में असमर्थ लोगों के कामकाज करने के लिए अब सरकार इस प्रकार लोगों के द्वार पर पहुंच रही है। इस दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ लोगों की आशा के अनुरूप गाँव का विकास करने की योजना पर भी चर्चा की जा रही है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विजन है कि जनसंवाद कार्यक्रमों के तहत लोगों की समस्याओं को उनके द्वार पर जाकर समाधान किया जाए और सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं इसका आंकलन किया जाए। इसके साथ ही जो लोग अपने छोटे कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाते उनकी समस्याओं का गांव में जाकर ही समाधान किया जा सके। इस गांव में जितने भी लोग अपनी समस्याएं और मांगे जनसंवाद कार्यक्रम में रखी हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के उपरांत उनके दूरभाष पर सूचना भी दी जाएगी। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं लाडवा से पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष पहल से ही प्रदेश में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए अब सरकार के मंत्री गांव-गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों के अंदर उत्साह था कि जो कार्य किए हैं उसके बारे में फीडबैक लेना और इसको अच्छा किया जाए, इस तरीके से इसको और अच्छा किया जाए। उस तरीके का माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रोग्राम शुरुआत की थी। तो अभी सभी मंत्री जो हैं हमारे वो अपने अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में भी जाकर गाँव की जनसंवाद कर रहे हैं। तो आज लाडवा से शुरुआत की है तो अभी तक दो जनसंवाद हो चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। लोगों की समस्याएं जो आ रही हैं सामने उनको दूर करने के लिए अधिकारी लोगों के साथ में, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पैटर्न भी है और इससे लोगों की समस्या जो है जो हाथों हाथ होने वाली है वो भी होती है। वो समस्या जो है जिनकी एप्लीकेशन है उनकी एप्लीकेशन लेके विद मोबाइल नंबर जिससे कि पोर्टल पर चढ़ाकर जनसंवाद का एक पोर्टल बनाया माननीय मुख्यमंत्री ने, जिससे कि उस पोर्टल के माध्यम से कई ऐसे प्रोग्राम हैं, कई ऐसे जो सीएम साहब ने लिए थे ये उनको ही देंगे वापस जाकर, जिससे कि पुराने जो जनसंवाद की प्रॉब्लम को सॉल्व की है अबव 60% जो है जनसंवाद जो माननीय मुख्यमंत्री ने किया उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। उसी तरीके से उसी के साथ पोर्टल पर इनको भी चढ़ाएंगे भी जाएंगे जिससे कि इनका जो निवारण है। और जिस प्रकार से अभी दो जनसंवाद के कार्यक्रम हुए, तीन और हैं बताया, बहुत अच्छा लोगों का उसके ऊपर रिस्पांस है और मंत्री जी तुरंत बात करके अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं। मैं पुनः मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। गौरतलब है कि राज्य मंत्री संदीप सिंह लोगों की समस्याएं सुनने के लिए गांव की चौपाल पर पहुंचे हैं। दफ्तरों में पहुंचने में असमर्थ लोगों के काम करने के लिए सरकार उन तक पहुंच रही है। इस दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ लोगों की आशा के अनुरूप गांव का विकास करने की योजना पर भी चर्चा की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।